तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेक NCERT पर, और आप सभी को हमारा नमस्कार। हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर पॉलीनोमियल से। आपको इतनी बेहतरीन तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा, जिससे आपको जितनी भी आप ट्राई करोगे, जो भी प्रॉब्लम आएगा आपके सामने, वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पॉलीनोमियल से। ठीक है, और उन बच्चों को ज़्यादा खासकर इस पर केयर करना है जिन बच्चों का लॉकडाउन में पढ़ाई पूरा समाप्त हो गया था, बर्बाद हो गया है, उन्हीं को रिकवर करने के लिए हम लोग ये चैनल स्टार्ट किए हैं। और आई होप कि आप लोग भी अच्छे से कवर करेंगे और इस चैनल को लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैनल। पहला है हमारा पॉलीनोमियल चैप्टर। ठीक है, पॉलीनोमियल होता क्या है? पॉली से ही पता चल जाएगा कि बहुत सारे नोमियल जिसमें रहेंगे वो हम आता है पॉलीनोमियल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, इस तरह जो होता है नंबर होता है। ठीक है, जो आप लोगों ने नंबर ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है, नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, और हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़े होंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं? एक्स, वाई, जेड, जो भी लेटर होते हैं वो हमारा क्या होता है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इन्हीं को जो रिलेट करके हम लोग लिखते हैं, तो उनको बताता है कि इसके रिलेशन क्या है, बाई सिम्बल्स। ठीक है, तो बस समझ लीजिए ये हमारा क्या हो जाता था, ये हमारा हो गया आपका कॉन्स्टेंट कर देते थे। ठीक है, और ये जो एक्स, वाई, जेड हम लिख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल, राइट। अब इन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी जो नंबर सिस्टम में था, वो था क्या? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर दोस्तों किससे स्टार्ट होता है? फ्रॉम जीरो, याद रखना। ठीक है, 1, 2, 3 एज ऑन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक साथ अरेंज करने के बाद हमारा आ जाएगा कि पॉलीनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पहले हमने लिख लिया कॉन्स्टेंट लिखे हमने, ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया वेरिएबल। ओके, वेरिएबल के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपना होल नंबर। ओके, ठीक है ना। अब कॉन्स्टेंट में आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज डेट आपने ले लिया 7। ओके, वेरिएबल में आप यहाँ से कोई भी ले लो, एक्स ले लेते हैं सपोज डेट, तो आप क्या हो गया यहाँ पर एक्स। ओके, अब इसका क्या बोला है, होल नंबर ना, होल नंबर आप मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो पॉलीनोमियल को हम लोग पी से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोज डेट यहाँ लिख सकते हैं 6x² + 2x + 3, इट इज ऑल्सो अ पॉलीनोमियल। ओके, फिर आप लोगों ने ये भी सीखा था कि हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें कितने टर्म होते हैं। सपोज डेट हमने लिखा 9x² + 2x, ओके, +4, तो यहाँ पर हमारा कितने टर्म है देखते हैं। एक आता है हमारा 9x², ओके, फिर हमारा यहाँ क्या आता है 2x, फिर हमारा यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या आता है 4, तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हुए। इनका एक अलग नाम होता है पॉलीनोमियल में। ठीक है, और अगर हमने लिख दिया 10x² + 4, यहाँ हमारे कितने टर्म हुए, ये भी हमारा कितने टर्म है 10x², और यहाँ टर्म कितने हैं 4, यहाँ पर भी कितने टर्म आ गए 2, और यहाँ कितने टर्म आया था हमारा 3। तो इस तरह पॉलीनोमियल का डिवीजन भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जहाँ पर अगर मान लीजिए आपको दिया गया 5x², ओके, यहाँ पर एक ही पॉलीनोमियल का एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का बोलेंगे जब हमारा टर्म एक ही रहेगा विथ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तब उसे बोलते हैं मोनोमियल। जहां हमें दो टर्म मिल जाएंगे, जैसे सपोज इट हमारा यहां मिला था 10x² + 4, देन हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, बाय नोमियल। ओके, देन आफ्टर हमें 3 मिल जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्री नोमियल। ओके, आफ्टर डेट अगर आपको मिलता है 4 टर्म, ओके, सपोज डेट आपको मिल गया 6x² + 5x² + 4x + 7। ठीक है, जैसे ही हमारा टर्न बढ़ेगा आफ्टर 3, ठीक है, मोर देन 3 जहाँ हमारा टर्म हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पॉलीनोमियल। लेकिन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि पॉलीनोमियल है या नहीं, क्या आप इसको पॉलीनोमियल बोल सकते हो? 10 लिखा हुआ है ना, 10 का आप पॉलीनोमियल इसको बोल सकते हो, ये पॉलीनोमियल है
तो हम देखते हैं पॉलीनोमियल है कि नहीं। यहाँ पॉलीनोमियल है, आप यहाँ पर क्या एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं, और एक्स का पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या हो गया, जीरो, जो क्या है एक होल नंबर। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर में जीरो आता है तो एक्स का पावर जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलीनोमियल है। और हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट भी है, हमारा पावर भी मिल गया और एक वेरिएबल मिल गया, तो ये हमारा क्या है, पॉलीनोमियल है। सपोज आप वाई लिखते हैं हम यहाँ पर, तो क्या एक पॉलीनोमियल है, ऑफकोर्स ये है, बिकॉज वाई का पावर यहाँ पर क्या छुपा हुआ, वन हाइड रहता है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी क्या हाइड रहता है, वन रहता है, तो हम इसे भी क्या बोल सकते हैं, ये एक पॉलीनोमियल है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग कि डिग्री क्या होती है, इसमें हम लोग को डिग्री भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होता क्या है, एक पॉलीनोमियल में सपोज हमने यहाँ देखा, ठीक है, सिक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन, ठीक है। तो डिग्री मीन्स हो गया कि जितना हाईएस्ट पावर रहेगा वही हमारा क्या होता है, डिग्री। तो आप इसमें बता सकते हैं आप किसमें आपका पावर कितना है, पावर कितना ज़्यादा है, थ्री, सबसे ज़्यादा पावर कितना है, थ्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इक्वल टू थ्री, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमको अगर चाहिए कि हमारा डिग्री यहाँ पर कितना है, तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ हाईएस्ट पावर टू है, तो हमारा डिग्री यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या है, टेन के स्क्वायर प्लस फोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा जो डिग्री है, डिग्री मीन्स हम क्या बताए थे, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी क्या है, तो पावर यहाँ पर टू है, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर टू हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है सबको यहाँ तक। तो जब भी अगर सपोज आप क्वेश्चन, आपको ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि अगर आपको पूछेगा कि ये नंबर दे सकता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे सकता है, पूछ सकता है कि आपका ये पॉलीनोमियल है कि नहीं, तो आप अगर पॉलीनोमियल अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल। देन आपसे पूछ सकता है कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप उसमें देखना है आपको कि उसकी पावर किसकी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। पावर के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी डिग्री कितनी है। सपोज डेट आपको लिख देता है 4s की द पावर 1 बाई टू, अब बताइए ये क्या पॉलीनोमियल है, नो, बिकॉज हेयर आप तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आपको मिल जा रहा है, ठीक है, आपको वेरिएबल भी मिल जा रहा है, लेकिन आपका पावर देखिए 1 बाई टू है, और मैंने क्या बोला था, पावर आपका जब भी होल नंबर रहेगा तभी आप उसको पॉलीनोमियल बोल सकते हो। तो यहाँ पॉलीनोमियल देखिए होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर क्या हुआ, 1 बाई टू दिया हुआ है, तो ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है। क्लियर, उसी तरह आप ये भी देख सकते हो 10y पावर माइनस 3, क्या ये पॉलीनोमियल है, इज इट पॉलीनोमियल, नो, बिकॉज यहाँ पर देखिए होल नंबर दिया हुआ है, जीरो से स्टार्टिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पावर क्या है, माइनस 3, तो हमारा जो पावर है वो माइनस में नहीं जाना चाहिए, अगर ये पावर में लिखा रहता है तो हम इसको पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट किए थे ऑलरेडी, ठीक है, ये पूरा बेसिक है आप लोग के, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसके थ्रू जो हम लोग एनसीईआरटी बुक्स है उसी के उसी को सॉल्व करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, जिससे आप अपने घर पर एनसीईआरटी बुक से भी इसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4s स्क्वायर, जिसमें हम लोग बोलते थे 4 क्या है, कॉन्स्टेंट होता है, और वेरिएबल क्या होता है, एक्स हो गया, और पावर हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन करना आपको मैं बता चुका हूँ, डिग्री बताना भी निकाल दिया कि मैं डिग्री किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। अब बताते हैं इसको हम नाम क्या देंगे, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम इसको, कि उसका नाम रहेगा को एफी सीएन, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट है, तो ये किसका कोएफिशिएंट है, ऑब्वियसली बात है वेरिएबल का, तो कोएफिशिएंट ऑफ हम लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है, सपोज ये आपको एक नंबर दे देगा 10y स्क्वायर, ओके, देन आपको ये पूछ सकता है कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोएफिशिएंट वही होगा जो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं आपको इसे इंडिकेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पॉलीनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, पी एक सिंबल लेते हैं, पी फोर क्या हो गया, पॉलीनोमियल, ठीक है। और जिसका हम कोएफिशिएंट निकालेंगे उसको हम बोलेंगे, रख लेंगे ब्रैकेट में, यानी पॉलीनोमियल इन एक्स, ओके, पॉलीनोमियल इन
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स मीन्स हो गया इसका कोफिशियंट कितना है, तो इसका कोफिशियंट था 4, ठीक है। तो इसका भी कोफिशियंट क्या हो जाएगा, p इंटू यहाँ पर क्या है कोफिशियंट की जगह पर y आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है मे भी, ओके। तो यहाँ पर मेरे पॉलीनोमियल का सिंबल क्या रहेगा, p ही रहेगा, बट यहाँ पर जो वेरिएबल लेंगे वो जिस तरह दिया रहेगा इक्वेशन में, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे, राइट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा कोफिशियंट क्या हो जा रहा है 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p का क्या हो गया पॉलीनोमियल, तो पॉलीनोमियल इन y इक्वल टू 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब हम थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे कि वो पॉलीनोमियल है या नहीं है, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें डिग्री पूछा गया, तो डिग्री हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऑलरेडी जो मैंने आपको बता चुका था। तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिसके थ्रू हम लोग पॉलीनोमियल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स गिवन बिलो, ओके। तो पॉलीनोमियल का डिग्री निकालना आप लोगों को मैंने बताया था किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट है यहाँ पर एस का पावर 5 माइनस एस का पावर 4 प्लस 3, ओके। तो हमने बताया था डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारा पावर जितना हाईएस्ट है वही हमारा डिग्री होता है। तो आप यहाँ बताइए, हमारा हाईएस्ट पावर किसका है, एस का पावर 5 दिखाई दे रहा है, एस का पावर 4 है, और यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर एस का पावर 0 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 5 है, तो हाईएस्ट पावर किसका हो गया, 5 है, ठीक है। यानी एस का पावर 5 हाईएस्ट है, तो हमारा डिग्री भी क्या हो जाएगा, यानी कि 5 ही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया, ओके। सेकेंड क्वेश्चन पे आप ही लोग बताइए, देखिए 2 - y² - y³ + 2y8 का पावर 8 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पावर जो है सबसे हाईएस्ट किस पर है, y पर दिखाई दे रहा है 8, उससे कम है तो 3 आएगा, उसके नीचे आएंगे तो 2 आएगा, तो हमारा हाईएस्ट पावर कितना हो जा रहा है 8, तो हमारा डिग्री भी कितना होगा 8, ठीक है। तो यहाँ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो गया। आप लोग बिना देखे भी, मतलब कि बिना सॉल्व किए इसी तरह बता सकते हो, सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। अब हमारा यहाँ आता है 2, तो पहले एट फर्स्ट ये पॉलीनोमियल है कि नहीं आपको ये देखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी पॉलीनोमियल है, हमने बताया भी था आपको क्यों। अगर हम लोग यहाँ पर अगर अपने मन से लिख देते हैं एस का पावर 0 लिख दिए, ठीक है, तो ये एक्स का पावर 0 लिखने से क्या होता है, एक्स का पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ओके, 1 होता है ना। तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर हाइड कर लिए, तो हमें यहाँ पर वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके हेल्प के लिए हम लिख देते हैं एस का पावर 0, ठीक है, और तो पावर है नहीं, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमको एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है और जिसका पावर क्या है 0 है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, क्लियर। अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कोफिशिएंट निकालना है ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉट ऑल, ना ही एक्स का पावर 1 का निकालना, ना ही एक्स का पावर 3 का निकालना है, ओनली हमें एस का पावर 2 जो दिया हुआ है, गिवेन है, ओके, उसी का पावर का कोफिशिएंट कोएफिशिएंट हम लोग को निकालना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + s², ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 2 + s², ओके। तब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन में था क्या, कि हमको एक से पावर का कोएफिशिएंट चाहिए, हमने निकाला था ना कि 10 अगर एस का पावर स्क्वायर है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट हमारा 10 होता था, वेरिएबल क्या होता था एक्स, तो 10 यहाँ पर क्या हो गया, कोएफिशिएंट होता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है आपका, ये तो हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है, यहाँ पर हमको मिल गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, इसके हाइट में क्या 1 हाइट रहता है, हाइट रहता है, तो यहाँ हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा हुआ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया सबको। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट पूछा है आपका एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो हम इस पर आते हैं, यहाँ पर हमारे टर्म कितने हैं, 3 टर्म हमें नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म में देखिए हमको सेम टू सेम मिल जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखो 1 क्या होता है, हाइट होता है, तो यहाँ पर देखो साइन लेकर चलना है, ठीक है,
ये नहीं कि ओनली वन दे दिए, वन के साथ साथ क्या करना है हमको साइन भी कवर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोफिशियंट क्या हो जाएगा, माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर भी देखो हमारा दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के इसलिए हम लोग नोट करेंगे बिकॉज हमारा एच स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, तो एच स्क्वायर को ही हम देखेंगे। ए इसके पावर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर पावर वन हो जाएगा। लेकिन एच स्क्वायर वन का कोफिशियंट नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा एच स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा। ओके, तो एच स्क्वायर यहाँ पर हमें नजर है ना, इसका कोफिशियंट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। क्लियर, अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ रूट टू एक्स, अब एक्स का यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, पावर वन हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स वेरिएबल नहीं भी है तो यहाँ पर हम इसका पावर जीरो लिख सकते हैं, बिकॉज इसका पावर जीरो होता है तो उसका भी आंसर क्या होता है, वन ही होता है। और यहाँ पर हमारा होता है फाइव एक्स स्क्वायर, और यही हमारा कोफिशियंट पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशियंट में फाइव, यही हमारा हो गया आंसर। सो कितना ईजी था, बस आप लोग की बस नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे आपको नॉलेज मिला कि पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोफिशियंट क्या होता है, आपने तुरंत सॉल्व कर दिया। अब ये डायरेक्ट आप बुक खोल कर देखते, ओपन करते, तो आपको समझ में नहीं आता डिग्री क्या होता है, कोफिशियंट क्या होता है। जैसे मैंने बता दिया कि डिग्री क्या होती है, आप कैसा भी समाएगा तो वहाँ पर डिग्री कितनी आसान थी, है ना, सीखने के बाद कितनी आसान हो गई, कितनी ईजी आपको लग रही है कि पावर कैसे निकालना, बहुत ईजी है डिग्री निकालना। आप तो विदाउट सॉल्व किए बस बुक में देखोगे, क्वेश्चन खोलोगे, ओपन करते ही दिखाई देगा कि आपको डिग्री क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है, आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके।